तो दूसरी जगह शिफ्ट होने से पहले ये हमारा आखिरी वीडियो होगा और इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इस फिजिक्स के बारे में नई गेम के बारे में जो बहुत ही जल्दी हम अपने मोबाइल डिवाइस में खेल पाएंगे, जिसका नाम है फेट ट्रिगर द नोबिता। और मुझे नहीं लगता है यार इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो आपको देखना होगा इस गेम के बारे में जानने के लिए, तो बिना स्किप करके पूरा देखना। और हाँ, हर दिन वीडियोस आपको जरूर मिलते रहेंगे लेकिन अपडेट वीडियो से थोड़ा हटके होगा, लेकिन उन सब वीडियोस को भी देख के आप बहुत कुछ जान पाओगे और साथ में एंजॉय भी तो करोगे। और ये वीडियो कहीं भी आपको पसंद आ जाए तभी लाइक ठोक देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी लगे हाथों तो सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से डेली इंटरेस्टिंग गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। तो बिना टाइम का मगजमारी करते हुए गेम के बारे में पहले जान लेते हैं। फेट ट्रिगर द नोबिता एक फ्री टू प्ले 3D एनिमे स्टाइल हीरो टैक्टिकल शूटर गेम होगा, लेकिन हम सबको तो पता है इस गेम में हम बैटल रॉयल मोड को खेल पाएंगे BGMI जैसा, लेकिन उससे ये गेम बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है। जैसे कि आपने टाइटल में भी पढ़ के थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा चुके होंगे कि ये गेम होने वाला है जिन सिद और पाइलाइट से इंस्पायर, क्योंकि इसमें एनिमे स्टाइल हीरोज आपको यूज करने को मिलेंगे, उनका अलग अलग एबिलिटीज होगा, स्किल होगा, जिसे आपको समझना और जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा इस गेम में। और गेम की फिजिक्स तो यार बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, ये चीज बार बार आप करने की कोशिश करोगे, मुझे पता है। गेम को बनाया जा रहा है अनरियल इंजन 5 पे, लेकिन अभी तक हिस्ट्री देखा जाए तो जितनी भी सारे इस इंजन को यूज करके गेम बने हैं खासकर मोबाइल डिवाइसों के लिए, उन सब गेम को खेलने के बाद हमारे मन से एक ही आवाज आता है, ये तो टट्टी है। और मुझे लगता है इस गेम के साथ ऐसा शायद नहीं होगा जिसे हम खेल के बोलेंगे मजा आया। गेम को अलग अलग प्लेटफॉर्म में रिलीज भी करेंगे, अब क्रॉस प्ले का फीचर्स होगा या फिर नहीं इसके बारे में तो अपडेट आना बाकी है। इस गेम को आप अपने मोबाइल डिवाइस में, PC में और कॉन्सोल में भी खेल सकोगे। गेम के डायनेमिक वर्ल्ड को आप पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे, जिसका भी नाम दिया गया है फ्लोटिंग आइलैंड, जिसका आप ऑन स्क्रीन ट्रेलर भी देख पा रहे हो। ट्रेलर कम ये गेम प्ले ज्यादा लग रहा है हम सबको, और इस ट्रेलर में मेंशन इन्होंने किया है ये अल्फा स्टेज है, तो आगे जाके इस गेम को और भी ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। और गेम में आपको साफ शूटर यानी प्रो बनना है तो गेम के हर कैरेक्टर को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर कैरेक्टर के अपने अपने स्किल और स्टाइल है, तो उनको यूज करके आपको स्ट्रेटेजी भी बनाना पड़ेगा। गेम में अभी के लिए बताया जा रहा है कि सोलो और स्क्वाड मोड होगा, तो दोस्तों के साथ भी खेलना चाहते हो उस गेम को खेल के एंजॉय कर पाओगे। अभी कुछ ही दिन पहले इसका अल्फा टेस्ट जो है PC के लिए रिलीज किया गया था, और जितने सारे प्लेयर्स को इसका एक्सेस मिला था उनके हिसाब से गेम काफी शानदार बना है, लेकिन हम पर्सनली जब खेलेंगे हम अपना ओपिनियन जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे एक गेम प्ले वीडियो बना के, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। अभी तक जब तक इस वीडियो को बना रहे हैं इसका टेस्ट जो है एंड हो चुका है, उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट टेस्ट जो है मोबाइल यूजरों के लिए भी रिलीज करें, लेकिन उसका अपडेट आना तो अभी भी बाकी है, और जब भी आएगा आप तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे किसी अपडेट वीडियो में, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। और गेम के ट्रेलर को देखने के बाद हमारे जैसे आप भी सोचोगे कि यार ये गेम तो कुछ हद तक पाललाइट और जेंसिन इंपैक्ट का मिक्सचर है, लेकिन फिर भी बताना चाहेंगे गेम में कुछ हो या फिर ना हो फिजिक्स को काफी अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो देखते हैं कब हम इस गेम को खेल पाएंगे। आपको क्या लगता है कब तक ये गेम रिलीज हो सकता है? मेरे हिसाब से तो यार इस गेम को खेलने के लिए लगभग 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी मान के चलो 2025 के एंड तक वहीं तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मुझे रिलीज डेट के बारे में जरूर सजेशन देना, क्या पता डेवलपर इस वीडियो को देख ले और आपका कमेंट भी पढ़ ले, और साथ में गेम के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा पता है या फिर कुछ पूछना चाहते हो उसके बारे में भी शेयर कर सकते हो कमेंट करके। अभी तक वीडियो पे टिके हुए हो तो लाइक क्यों नहीं करते, शेयर कर दो, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो वो भी हर रोज, तो चल उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हो साइड के लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।